Welcome buddies, if you are new to the channel, subscribe and also click the bell icon for new video. अंडरटेकर का रेसलमेनिया में मैच ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, पर हमें पिछले साल अंडरटेकर का रेसलमेनिया मिस करते हुए दिखाई दिए थे, पर इस साल हमें अंडरटेकर के पूरे पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं कि उनका मैच रेसलमेनिया में होगा। पर पहले उनका मैच स्टिंग के साथ होने वाला था, पर वो कैंसिल होकर उनका मैच एज स्टाइल से होने वाला है, क्योंकि स्टिंग की और एज अंडरटेकर की एज हो गई है, इसीलिए उनका मैच इतना अच्छा नहीं होगा। इसीलिए एज स्टाइल का इस मैच में डाला गया हुआ है। एज स्टाइल से बेहतर अंडरटेकर को कोई और अच्छा अपोनेंट नहीं मिल सकता है। ये भी एक ड्रीम मैच से कम नहीं है। एज स्टाइल का अभी कैरेक्टर हील वाला है, तो इसीलिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। और एज स्टाइल एक अच्छे रेसलर है, वो हाई फ्लाइंग मूव्स करते हैं। एज स्टाइल वर्सेस अंडरटेकर का मैच हुआ तो ये मैच बहुत ही शानदार हो सकता है, इसीलिए और इस मैच से एज स्टाइल का करियर में भी अच्छा उछाल आ सकता है। इसीलिए अंडरटेकर वर्सेस एज स्टाइल का मैच होना चाहिए, और अंडरटेकर का ये मैच रिटायरमेंट वाला भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, पर ये अंडरटेकर का रेसलमेनिया में लास्ट मैच भी हो सकता है। और रेसलमेनिया 36 में सब चैम्पियनशिप वाले मैच है, पर इस साल कोई ऐसा ड्रीम मैच नहीं है, पर ये मैच ड्रीम मैच हो सकता है, इसलिए एज स्टाइल वर्सेस अंडरटेकर का मैच होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर।